वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो जो लोग ये सोचकर इस वीडियो में आए कि उन्हें केजीएफ चैप्टर 2 से रिलेटेड कोई नई अपडेट सुनने को मिलने वाली है, तो ऐसा कोई भी नहीं है। इस वीडियो के अंदर हम कोई भी अपडेट डिस्कस नहीं करने वाले। तो जो लोग अपडेट के चक्कर में आए तो यार अभी वीडियो को कैंसिल कर दो, बैक एंड पे चले जाओ, कोई और वीडियो देखो, क्योंकि हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं केजीएफ चैप्टर 2 की प्रमोशन को। भाई साहब, क्या बाप लेवल की प्रमोशन चल रही है, वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आप सब भी जानते हैं कि केजीएफ चैप्टर 2 की टीम दिल्ली के अंदर भाई साहब घूम रही है, मींस के नॉर्थ के अंदर, हिंदी ऑडियंस के अंदर वो घूम रही है और प्रमोशन कर रही है। मैं आपको बताता चलूं कि आज से एक मंथ पहले जहां पे काफ़ी ज़्यादा लोग ये कह रहे थे कि यार केजीएफ चैप्टर 2 के मेकर से सोए हुए हैं, बिल्कुल प्रमोशन ही नहीं कर रहे, एक महीना रह गया मूवी को आने में और इन लोगों को पता ही नहीं है, प्रमोशन ही नहीं कर रहे, प्रमोशन के बगैर मूवी हिट ही नहीं होगी, ये वो। तो देखिए दोस्तों, अभी हुई है प्रमोशन, मींस कि अभी तो नहीं, काफी दिन पहले हुई है, लेकिन इस तरह से होती है प्रमोशन यार, इसको कहते हैं रियल प्रमोशन। मैं आपको बताता चलूं इंटरेस्टिंग बात कि जो एसएस राजा मौली की फिल्म ट्रिपल आर थी, ट्रिपल आर का प्रमोशन किस तरह से हुआ है आप सब भी जानते हैं दोस्तों। ट्रिपल आर से ज्यादा प्रमोशन हो रहा है केजीएफ चैप्टर 2 का, जहां पे मेरी भी यही थिंकिंग थी कि यार एसएस राजा मौली जिस तरह से प्रमोशन कर रहे हैं उस तरह की कोई प्रमोशन नहीं कर सकता। लेकिन बात वो ठीक है, लेकिन किसी हद तक प्रशांत नील भी किसी से कम नहीं है भाई, कम समझना, बहुत आउटस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल की वो प्रमोशन कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे एक बड़ी मजे की फनी बात याद आ गई, कुछ मेरे भाई लोग, मेरे दोस्त मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके कह रहे थे, कमेंट सेक्शन के अंदर भी कह रहे थे कि भाई क्या केजीएफ चैप्टर 2 की टीम द कपिल शर्मा शो में जाएगी। तो उनको मैं यहां पर इतना ही बात कहूंगा कि भाई केजीएफ वाले क्यों जाए द कपिल शर्मा शो में, द कपिल शर्मा शो को चाहिए कि वो केजीएफ चैप्टर 2 के पास आए। क्या करते हो भाई साहब, सोया गया हमारा एक, अब केजीएफ चैप्टर 2 की टीम जाए द कपिल शर्मा शो में, क्या करते हो यार। कपिल शर्मा शो को आना चाहिए केजीएफ चैप्टर 2 के पास, भाई साहब आओ, क्या समझे हो यार, स्वैग है। और दोस्तों, जिस तरह से टीम नॉर्थ के अंदर प्रमोशन कर रही है, वो जिस स्टेज पे भी जाते हैं, मींस के वो दिन में 5 से 6 जगह पे जाते हैं और 5 से 6 जगह पे जाके पूरी की पूरी कास्ट के ड्रेसेस चेंज होते हैं और ड्रेस भी भाई साहब जो लेकर आते हैं यार, यश की पर्सनैलिटी है, मींस कि उनका ड्रेसिंग लुक आप देखी होगी। लेकिन दोस्तों, यश से भी ज्यादा अधीरा संजू भाई, मींस कि इतनी बड़ी एज होने के बाद भी वो जिस ड्रेसिंग में बैठे होते हैं ऐसे लगता है खलनायक वापस आ गया यार, ऐसी फीलिंग्स आती है उन्हें देख के, और साथ रवीना टंडन तो क्या ही बोलूं मैं। खैर, अब दोस्तों, नॉर्थ के अंदर प्रमोशन इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि मेकर्स को पता चल चुका है कि केजीएफ चैप्टर 2 हिंदी के अंदर एक बहुत ऊपर लेवल की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली है। क्यों? क्योंकि ट्रेलर को देखे पता चल रहा है, ट्रेलर पे दोस्तों, सिर्फ हिंदी के ट्रेलर पे अभी तक 75 मिलियन प्लस व्यूज आ चुके हैं। तो यहां से क्लियर होता है कि भाई हिंदी ऑडियंस बहुत ज्यादा वेट कर रही है इस मूवी का, और पता भी चलता है क्योंकि जिधर भी नॉर्थ के अंदर केजीएफ चैप्टर 2 की कास्ट टीम जाती है प्रमोशन के लिए, वहां पे ऑलरेडी फैंस भाई सब बंद किया होता है उन्होंने रास्ता, फैंस की कमी नहीं होती, फैंस यश से मिल रहे होते हैं, धीरा से, सबसे मिल रहे होते हैं। तो दैट्स वाई भाई सब हिंदी के अंदर जो इसका क्रेज है ना, आज से पहले किसी भी साउथ मूवी का हिंदी के अंदर इतना क्रेज नहीं हुआ जितना केजीएफ चैप्टर 2 का हो रहा है। खैर दोस्तों, यही थी इसकी प्रमोशन पे वीडियो, आपसे वीडियो आपको पसंद आई होगी। रही बात केजीएफ चैप्टर 2 की एडवांस बुकिंग कलेक्शन की, तो दोस्तों आज रात तक कुछ एडवांस बुकिंग कलेक्शन मेरे पास आने वाली हैं, तो कल सुबह तक आपको वीडियो मिल जाएगी, उसमें आपको बताऊंगा कि केजीएफ चैप्टर 2 की एडवांस बुकिंग कलेक्शन क्या चल रही है, क्या सीन चल रहा है। अभी तक यही थी वीडियो प्रमोशन को लेकर, प्रमोशन भाई साहब बाप लेवल चल रही है यार। तो खैर दोस्तों, यही थी अभी तक की छोटी सी वीडियो, होप सो वीडियो आपको पसंद आएगी। ऐसी अपडेटेड वीडियोस के लिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में देखिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, अल्लाह हाफिज़।